नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 इसका तीसरा भाग हम कर रहे हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य है एक्स रुपए और एक गेंद का मूल्य है वाई रुपए। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक बल्ला एक्स रुपए का तो 7 बल्ले कितने रुपए के हो गए, 7x। एक गेंद वाई रुपए की, 6 गेंदे कितने की होगी, 6y की। ये दोनों मिलकर खरीदे यानी 7x प्लस 6y, 7 बल्ले खरीदे 6 गेंदे, तो 7 बल्ले हो गए 7x रुपए के, 6 गेंदे होंगे 6y रुपए की। टोटल बिल कितना बन गया, 3800 रुपए। इसी प्रकार से दूसरी बार उसने 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला एक्स का, 3 बल्ले 3x के और 5 गेंदे, एक गेंद वाई की, 5 गेंदे 5y की, तो ये जो है कितने रुपए में, 1750 रुपए में उसने खरीदे। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम क्या है, इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को 2 मान लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन या दूसरी में से किसी एक को पहले हल करते हैं। हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं, 7x, करना क्या है, x को अकेला छोड़ना है, ये है 3800, 6y इधर प्लस हो रहा है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अगले स्टेप में 3800 माइनस 6y, 7 इधर x के साथ गुना हो रहा है, जब उधर आएगा तो हो जाएगा भाग। ये x का मान आ गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये x का जो मान है, क्योंकि 1 को सॉल्व करके आया, इस x के मान को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में भर देंगे। आइए देखते हैं क्या बनता है। इक्वेशन 2 है, 3 गुना x, x की जगह लिखना है ये 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y प्लस 5y बराबर 1750। इसे अब हमने हल करना है। इससे पहले यहाँ एक लाइन लिखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डाली हमने, 2 में। अब देखो बच्चों क्या होगा, तीन को इन दोनों से गुना करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 को 0 से गुना किया 0, 3 को 0 से गुना किया 0, 3 8 24 हासिल आया 2, 3 3 9 2 11, तो ये आ गया 11400 माइनस 3 को जब 6 से गुना किया तो 18y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी इसके नीचे है 1, 7 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो वो आ जाएगा 7। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी रकम बन गई, तो डरना नहीं है, हमने इसको हल करना है बस। 7 को नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुना, 7 को 7 से भाग किया 1, 1 को ऊपर इस रकम से गुना करेंगे तो यह रकम ऐसी ही आ जाएगी। शुक्र है ये किसी ने से गुना नहीं हुई, नहीं तो और बड़ी रकम हो जाती। अगले यहाँ देखिए, यहाँ है प्लस, तो हमने ये डाला प्लस, 7 को 1 से भाग किया 7, उस 7 को ऊपर 5 से गुना कर दिया, 7 5 35, 7 में है वाई बराबर ये है 1750। अब हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगले स्टेप में ये 7 जो है ये इस पूरी रकम के साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा 7, और यहाँ क्या बच गया देखिए, 11400 माइनस प्लस माइनस, 35 में से 18 निकाल दो तो 17y, 7 में साइन बड़ी रकम का प्लस। अगले स्टेप में देखिए, 17y बराबर इनको गुना करते हैं, 7 को 0 से गुना किया 0, 7 5 35 हासिल आया 3, 7 7 49, 49 और 3 52 हासिल आया 5, 7 1 7 और 5 12, 12250। अब ये 11400 यहाँ इस 17y के साथ प्लस हो रहा है,
जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 11,400। अब ये बन गया 17y बराबर 12,250 में से 11,400 माइनस कर दो। देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, पांच में से जीरो गया पांच, दो में से चार जा नहीं सकता तो ये इससे उधार लेगा, तो ये बन गया 12, 12 में से चार गया आठ, ये एक बच गया, 11 में से 11 गए जीरो। वाई बराबर आएगा 850, 17 इसके साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं 17 के पहाड़े में 85, 17 पंजे 85, एक जीरो पीछे है तो जीरो, इसका मतलब वाई किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। वाई किसके बराबर आ गया है, 50 के बराबर आ गया है। अब हम वाई बराबर 50 जो है यह वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 3 क्या थी, एक्स बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। एक्स बराबर 3800 माइनस 6 गुना वाई, वाई कितना आया है 50 बटा 7। इसको हल करो, यह आएगा 3800 माइनस 6 गुना 50 होता है 300, ठीक है जी। तो x आ गया 3800 में से 300 निकाल दो, 3500 बटा 7। जब ये आपस में कटेंगे तो देखिए 7 5 35, पीछे दो जीरो हैं तो यहाँ दो जीरो लग जाएंगे, इसका मतलब x किसके बराबर आ गया है, 500 के बराबर आ गया है। जो भी हमारे पास x और y आया है, लेकिन हमें तो निकालना है बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य, ठीक है बच्चों। तो एक बल्ले का मूल्य, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। हमने क्वेश्चन में क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपए। एक बल्ले का मूल्य हमने माना था एक्स रुपए, एक्स हमारे पास अभी कितना आया है 500, तो इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य हो गया, एक गेंद का मूल्य है वाई रुपए, और वाई किसके बराबर है 50 के, तो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपए। इस प्रकार से हमने एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य निकाल दिया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा जो हमने ये प्रश्न यहाँ किया है ये आपको अच्छे से समझ आएगा, और यदि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आए तो कृपया हमारे वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।